हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछला पार्ट जो देखा अभी दैट वाज कॉस्ट शीट। ठीक है, पिछले लेक्चर्स तक हम लोगों ने कॉस्ट शीट पूरी स्टडी कर ली, उसके सम्स कर लिए। अब कॉस्ट शीट हमें अच्छे से मालूम है क्या है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू चैप्टर 7 विच इज कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम्स। नाउ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम्स मतलब बेसिकली ये है कि आप जो कॉस्ट इनकर कर रहे हो, मतलब जो भी खर्चा आप इनकर कर रहे हो, उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है, ये हम लोगों को देखना है। कॉस्टिंग के केस में, मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग में, द अकाउंट इज अ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मतलब जो आप रूटीन अकाउंटिंग करते हो उससे थोड़ी सी अलग अकाउंटिंग हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग में करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को ये देखना है कि वो कॉस्ट अकाउंटिंग करने के लिए व्हाट आर द सिस्टम्स दैट वी हैव। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिस्टम्स, एक नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम और एक इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है, नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम में कॉस्टिंग की बुक्स आर मेंटेन्ड सेपरेटली फ्रॉम फाइनेंशियल बुक्स। फाइनेंशियल अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटेंट अपना अपना करेगा, कॉस्ट की अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटेंट अपना अपना करेगा। बुक्स आप ऐसा समझ लो डुप्लीकेट मेंटेन होगी। मतलब अगर कोई खर्चा हुआ तो ऐसा पॉसिबल है कि वो दोनों जगह रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, क्योंकि दोनों जगह अकाउंटिंग मेंटेन हो रही है, दोनों अलग अलग मेंटेन हो रही है। क्यों करेगा कोई ऐसा, लेट्स सी। पहले हम लोग समझ लेते हैं अकाउंटिंग क्या है, कैसे करते हैं, देन वील कम टू द क्यों वाला पार्ट। और दूसरा है इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम। इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम में कॉस्टिंग की बुक्स और फाइनेंस की बुक्स साथ में, मतलब एक सेट ऑफ बुक्स होती है, कंबाइंड बुक्स होती है। इंटीग्रेटेड मीन्स कंबाइंड। ठीक है, हम लोगों को ये दोनों सिस्टम्स देखना है, ये दोनों सिस्टम्स हम लोग स्टडी करने वाले हैं, जिसमें से पहला पार्ट जो अपन देखने वाले हैं दैट इज नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम। नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम मतलब कॉस्टिंग की बुक्स अलग, फाइनेंस की बुक्स अलग। ठीक है, ये सिस्टम कैसे मेंटेन होता है, हम लोगों को ये स्टडी करना है। फाइन, नाउ ये जो चीजें हैं, इसके फीचर्स पे हम आते हैं ये चीज समझने के बाद। पहले हम लोग ये चीज समझ लेते हैं कि व्हाट इज नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम, फिर उसके बाद आके देखते हैं कि उसके फीचर्स क्या है एग्जैक्टली। मतलब विल बेटर अप्रिशिएट आफ्टर अंडरस्टैंडिंग व्हाट द सिस्टम इज। अभी आपके बुक्स में यहां पे पेज 215 और 216 पे कुछ अकाउंट्स के प्रोफॉर्मा बनाए हुए हैं। आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 अकाउंट्स पेज 215 पे है, और 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, ये 5 अकाउंट्स 216 पे है। पहला काम, इन अकाउंट्स को नंबरिंग करो और एग्जैक्टली वैसी नंबरिंग करो जैसा मैं कर रहा हूं। ठीक है, नंबरिंग कैसे करनी है? नाउ जो आपका 215 पे अकाउंट है, जो फर्स्ट अकाउंट है, दैट विल टेक इट एज 1। ठीक है, अकाउंट नंबर 1। देन उसके नीचे वाला अकाउंट विल बी 2, उसके नीचे वाला अकाउंट विल बी 3। ठीक है, देन उसी पेज पे राइट साइड में ऊपर वाला अकाउंट विल बी 4, उसके नीचे 5, उसके नीचे 6। ठीक है, तो पेज 215 पे अपन ने जो अकाउंट्स बनाए हैं उनको नंबरिंग दे दी फ्रॉम 1 to 6। ठीक है, वर्टिकली 1, 2, 3, 4, 5, 6। देन कमिंग टू पेज 216 में लेफ्ट हैंड साइड में विल स्टार्ट बाय सेइंग इट इज 7, 8, 9। और राइट हैंड साइड वाला होगा 10 and 11। ठीक है, इसको यही ऑर्डर में रखो, इट विल बी बेटर टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन। ठीक है, अब मैं इसमें अकाउंटिंग स्टार्ट कर रहा हूं। जैसे जैसे मैं एंट्रीज करते जा रहा हूं, मैं चाहता हूं आप लोग भी वैसे वैसे साइमल्टेनियसली एंट्रीज करो, बट आफ्टर अंडरस्टैंडिंग कि हम
कोई एंट्री क्यों कर रहा है, ठीक है। आपको भी एंट्री साथ साथ में करनी है, लेकिन जब मैं रीजन समझा रहा हूं कि हम लोग कोई एंट्री क्यों वैसी कर रहे हैं, तो आप वो रीजन पहले समझो कि हम वो एंट्री क्यों कर रहे हैं, फिर वो एंट्री करना, ठीक है। लेक्चर पॉज करना आपके हाथ में है, तो आप वो रीजन सुन के पॉज करके भी एंट्री कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे विदाउट रीजनिंग कोई भी एंट्री, सिर्फ हाँ बोल रहे इसके लिए कर दी, बोल रहे इसके लिए कर दी, ये नहीं करना है, ठीक है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द लॉजिक, ऑन अ रीजन। लेकिन उसके पहले विल जस्ट गो थ्रू द कॉस्ट शीट वंस अगेन। हम जो अकाउंटिंग अभी देखने वाले हैं, दैट इज हैविली डिपेंडेंट ऑन कॉस्ट शीट। हम लोग पहले कॉस्ट शीट वाले पार्ट पे आ जाते हैं। एक बार फिर से मैं कॉस्ट शीट रिवाइज करवा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि यहां हमको लगने वाली है कॉस्ट शीट। वी स्टार्ट बाय टेकिंग डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, द टोटल इज प्राइम कॉस्ट, देन एड फैक्ट्री ओवरहेड्स या प्रोडक्शन ओवरहेड्स या वर्क्स ओवरहेड्स, वॉट एवर, वॉट वी गेट इज फैक्ट्री कॉस्ट ग्रॉस, वॉट वी गेट इज फैक्ट्री कॉस्ट ग्रॉस, एड ओपनिंग डब्ल्यू आई पी लेस क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी, वॉट वी गेट इज फैक्ट्री कॉस्ट नेट, जिसको आप लिख सकते हो सिंपली फैक्ट्री कॉस्ट, इट इज एक्चुअली फैक्ट्री कॉस्ट नेट, बट आप सिंपली फैक्ट्री कॉस्ट लिख सकते हो। इस पॉइंट पे फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर हो जाते हैं, बराबर, फैक्ट्री कॉस्ट पे एक्चुअली फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर हो जाते हैं, लेकिन हम इस फैक्ट्री कॉस्ट को, इस फैक्ट्री कॉस्ट को पूरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं मानते हैं, नहीं मानते हैं, क्योंकि एक एलिमेंट ऐड करना बाकी होता है, ऐड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, और फिर हम लोग बोलते हैं दिस इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दिस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। क्योंकि ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऐड किए बिना हम ये नहीं बोल सकते कि हमारा कॉस्ट पूरा कंप्लीट हो गया है। नाउ कॉस्ट शीट में, ठीक है, अब ये बात ध्यान में रखना, जब हम लोग कॉस्ट शीट पढ़ रहे थे तो अपना क्या बात हुआ था ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन को लेके। अगर रिलेटेड टू प्रोडक्शन है तो यहां पे आएंगे, अगर रिलेटेड टू प्रोडक्शन नहीं है तो वो जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, ठीक है। तो अपना ये बात हुआ था ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन को लेके। अब हियर ऑनवर्ड्स अपन जितने भी चैप्टर्स करने वाले हैं, सब जगह बाय डिफॉल्ट ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स आर टेकन एज रिलेटेड टू प्रोडक्शन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं वापस इस पर स्ट्रेस कर रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, यहां से आगे पूरे कॉस्टिंग में जब भी ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स आएगा, हम हमेशा मानेंगे कि वो प्रोडक्शन से रिलेटेड है। सिर्फ जब एक्सप्रेसली कॉस्ट शीट का सम आता है तब हम ये नहीं मानते, तब हमको ये इंस्ट्रक्शन लगता है कि वो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ठीक है, तब हमको ये इंस्ट्रक्शन लगता है। तो अभी से आगे पूरे कॉस्टिंग के सब्जेक्ट में ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स आर एक्चुअली पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हमेशा, ठीक है। तो अभी हम ऐसा ही लेके आगे सॉल्व करने वाले हैं। देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब यहां पे आपके फिनिश गुड्स की पूरी कीमत आ गई, पूरी कॉस्ट आ गई, देन एड ओपनिंग फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग फिनिश गुड्स, दिस विल बी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर आप लोगों ने अब तक कॉस्ट शीट नहीं पढ़ी है तो डायरेक्टली ये
लेक्चर देखना मत, पहले कॉस्टशीट का लेक्चर देखो, कॉस्टशीट का लेक्चर ओपन रखा हुआ है यूट्यूब पे, पहले वो फिनिश करो, उसका लॉजिक समझो, कॉस्टशीट का फ्लो समझो, फिर इधर आओ और फिर ये लेक्चर देखो, ठीक है। इट इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस। देन ये हुआ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। फिर हम लोग लेते हैं एड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, दिस विल बी कॉस्ट ऑफ सेल्स। देन प्लस और माइनस प्रॉफिट और लॉस वॉट एवर, दैट विल बी सेल्स। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर था कॉस्टशीट का, ठीक है। अब देखते हैं हाउ इज इट रेलिवेंट विद द अकाउंटिंग ऑफ कॉस्ट। नाउ वी आर स्टडिंग अकाउंटिंग अंडर नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक है। दिस इज नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम। नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम मतलब फाइनेंशियल बुक्स अलग है, कॉस्टिंग की बुक्स अलग है, दो अलग अलग लोग दो अलग अलग सेट ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं। नाउ द डिफरेंस इज यूजुअली पैसा मतलब कैश या बैंक फाइनेंशियल अकाउंटेंट के हाथ में होता है, कॉस्ट अकाउंटेंट के हाथ में कैश नहीं होता है, ना कैश होता है ना बैंक का एक्सेस होता है, मतलब वो चेक इशू नहीं कर सकता है। यूजुअली ये सारा काम फाइनेंशियल अकाउंटेंट करता है, नॉट कॉस्ट अकाउंटेंट। तो इस वजह से जब हम लोग नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम में है तो वी डोंट हैव कैश और बैंक विथ अस, ठीक है। हमारे पास कैश और बैंक नहीं है। माल जब बेचा जाता है तो किस डेटर को बेचा जाता है, कॉस्ट अकाउंटेंट को नहीं मालूम। कॉस्ट अकाउंटेंट को सिर्फ इतना मालूम है कि माल बेचा गया, फिनिश गुड्स बनाया था बिक गया, किसको बिका मालूम नहीं, किससे पैसे आए मालूम नहीं, ठीक है। तो इन शॉर्ट व्हाट वी डोंट हैव इज वी डोंट हैव कैश और बैंक अकाउंट, वी डोंट हैव डेटर्स अकाउंट, वी डोंट हैव क्रेडिटर्स अकाउंट, वी डोंट हैव फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, वी डोंट हैव सेल्स अकाउंट, ठीक है। हमारे पास ये सब ये अकाउंट्स कुछ नहीं है, ये सारे अकाउंट्स फाइनेंशियल अकाउंटेंट के पास है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन सारे अकाउंट को दूसरे किसी अकाउंट के साथ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। किस अकाउंट के साथ, देयर इज दिस अकाउंट कॉल्ड एज CLC और GLA, ठीक है। CLC इज कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। ये कंट्रोल अकाउंट यूजुअली लिखा जाता है क्योंकि वी आर यूजिंग दिस कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम फॉर कंट्रोल पर्पसेस, ठीक है। मतलब ये सिस्टम इसके लिए एस्टेब्लिश किया है ताकि हम कॉस्ट को बराबर ट्रैक करके मॉनिटर करके उस पर ध्यान रख सके कि वो कितना हो रहा है, ठीक है। उस पर कंट्रोल रखने के लिए यह सिस्टम डिजाइन किया गया, ठीक है। एंड उसका दूसरा नाम है जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं ये अकाउंट, क्योंकि हमारे पास ना डेटर है ना क्रेडिटर है, ना कैश है ना बैंक है। नाउ डेटर नहीं है, क्रेडिटर नहीं है, कैश नहीं है, बैंक नहीं है, तो मुझे कुछ तो अकाउंट लगेगा उसकी जगह, एक डमी अकाउंट जैसा, ठीक है। तो दैट अकाउंट विल बी CLC अकाउंट और GLA अकाउंट, ठीक है। यूजुअली हम लोग CLC अकाउंट नाम से यूज करने वाले, इन मोस्ट ऑफ द सम्स मेजॉरिटी केसेस विल बी यूजिंग CLC अकाउंट। बट ये ध्यान में रखना कि अगर कहीं GLA अकाउंट आता है तो दैट ऑल्सो मीन्स द सेम थिंग, हम लोग CLC की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। नाउ लेट अस मूव टू द अकाउंटिंग पार्ट।
नाउ लेट्स सी द जर्नल एंट्रीज. वप इज गोइंग बैक टू 11th स्टैंडर्ड. जैसे 11th स्टैंडर्ड में हम लोग जर्नल एंट्रीज सीखते थे एक एक ट्रांजेक्शन की, सिंपल सिंपल ट्रांजेक्शन की. नाउ वी आर बैक टू द सेम स्टेज. सिर्फ इतना है, अब हम लोग जर्नल एंट्री सीख रहे हैं कॉस्टिंग के लिए. पहली जर्नल एंट्री, ठीक है, आपको लिखना है सिर्फ इन अकाउंट्स में, ठीक है. ये अकाउंट्स में मैं जो जो भी लिखते जा रहा हूं वो आपको लिखना है. बाजू में मैं एक्सप्लेन करने के लिए जो जो लिखूंगा ये आपको नहीं लिखना है, ठीक है, ये आपको नहीं लिखना है. तो नाउ लेट अस सी, द फर्स्ट एंट्री इज रॉ मटेरियल्स परचेस्ड. नाउ रॉ मटेरियल्स परचेस्ड की यूजुअल एंट्री अपनी क्या होती है? यूजुअल फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बुक्स में, नॉर्मल अकाउंटिंग के बुक्स में अपनी रॉ मटेरियल की परचेस एंट्री क्या होती है? वी से इट इज परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, कैश और बैंक अकाउंट, ठीक है, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, ये अपनी यूजुअल एंट्री होती है, ठीक है. अगर क्रेडिट परचेस है तो कैश और बैंक की जगह सप्लायर का नाम आ जाता है, ठीक है. परचेसेस अकाउंट की जगह आई कैन ऑल्सो कॉल इट एज मटेरियल्स अकाउंट, आई कैन ऑल्सो कॉल इट एज मटेरियल्स अकाउंट. कॉस्टिंग में हम मटेरियल्स को, मतलब मटेरियल अकाउंट को, मटेरियल अकाउंट नाम से नहीं बुलाते. हम लोग मटेरियल का नाम रखते हैं स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट. वी कॉल इट स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, ठीक है. तो उसको प्यार से हम लोग SLC बुलाते हैं, SLC, स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट. स्टोर्स मतलब बेसिकली मटेरियल्स, ठीक है. तो ये जो है स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, इसका मतलब है ये मटेरियल अकाउंट है, ठीक है. तो जब यहां हम जर्नल एंट्री डिस्कस कर रहे हैं मटेरियल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, तो हम लोग सिर्फ इतना है मटेरियल्स अकाउंट को मटेरियल नाम से नहीं, SLC अकाउंट डेबिट नाम से बोलेंगे, ठीक है. तो नाउ SLC अकाउंट इज द मटेरियल अकाउंट फॉर अस, ठीक है. SLC अकाउंट डेबिट, फाइन, टू व्हाट? नाउ अपनी बात हुई थी कि हमारे पास कैश और बैंक नहीं है, अपने पास कैश और बैंक अकाउंट नहीं है. बीइंग अ कॉस्ट अकाउंटेंट मेरे पास पैसा नहीं है, गल्ले पे मैं नहीं बैठता हूं, तो ना कैश मेरे हाथ में है ना बैंक मेरे हाथ में. उसके जगह हमने अल्टरनेट कौन सा अकाउंट बनाया था? वी क्रिएटेड कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, ठीक है, मतलब CLC बेसिकली. तो अपनी मटेरियल्स परचेज की जो एंट्री है दैट बिकम्स स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, ठीक है. मैं वापस बता रहा हूं ये क्या किया हमने. अपनी यूजुअल एंट्री इज मटेरियल्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक. अब मटेरियल को हम मटेरियल नाम से नहीं बुला के स्टोर्स लेजर कंट्रोल नाम से बुला रहे हैं, एंड कैश और बैंक को कैश और बैंक से नहीं, हम लोग सीएलसी से क्रेडिट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कैश और बैंक है नहीं. कैश और बैंक फाइनेंशियल अकाउंटेंट के पास है, वो करेगा उसकी एंट्री कैश और बैंक, ठीक है. तो हमारे लिए जो एंट्री हो जाती है दैट इज SLC अकाउंट डेबिट टू CLC अकाउंट, ठीक है. तो जो फर्स्ट अकाउंट है दैट आई एम क्रिएटिंग एज SLC अकाउंट, स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, ठीक है. यहाँ पे डेबिट साइड में ऊपर थोड़ी सी गैप छोड़ के फिर लिखना, ठीक है, ऊपर थोड़ी सी गैप छोड़ के फिर लिखना टू CLC अकाउंट,
टू सीएलसी अकाउंट. दिस रिफ्लेक्ट्स व्हाट? इट रिफ्लेक्ट्स परचेस. तो जो सीएलसी अकाउंट है, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, वो क्रेडिट होगा आपके 11th नंबर के अकाउंट को. बनाओ कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट 11th नंबर के, मतलब ऑन पेज 216, इसको बनाओ कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, दैट इज सीएलसी. तो एसएलसी डेबिट हुआ, सीएलसी विल बी क्रेडिटेड. ठीक है, यहां पे गैप छोड़ने की जरूरत नहीं है. यहां पे आप सीधी एंट्री लिख सकते हो बाय एसएलसी अकाउंट. ठीक है. अच्छा, जब मैं जर्नल एंट्रीज आपको बोल रहा हूं ना, तो साथ साथ में खुद भी बोलते जाओ. आप जर्नल एंट्रीज खुद बोलोगे तो आपको एक तो उसके उसके पीछे दिमाग भी चलता है कि क्यों ये जर्नल एंट्रीज आ रही है, और फिर याद भी होता है कि वो जर्नल एंट्री क्या है. ठीक है, तो हमारे लिए मटेरियल्स परचेस करने की एंट्री क्या हुई? इट वॉज एस एल सी अकाउंट डेबिट टू सी एल सी अकाउंट. ठीक है, क्लोज लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू सीएलसी अकाउंट. फाइन. नाउ मैं सिमिलर तरीके से अगर पूछूं वेजेस पेड, ठीक है, लेबर है, डायरेक्ट वेजेस मैं पे कर रहा हूं, ठीक है, सपोज 100 रुपए के. यूजुअल एंट्री क्या होती है डायरेक्ट वेजेस की? अपनी यूजुअल एंट्री इज डायरेक्ट वेजेस अकाउंट डेबिट, समझो 100 रुपया, टू कैश और बैंक 100 रुपया. ये अपनी नॉर्मल एंट्री है. नाउ अपने को ये मालूम है कि अपने पास कैश और बैंक नहीं है, तो कैश और बैंक की जगह क्या क्रेडिट हो जाएगा हमारे लिए? इट विल बी सीएलसी अकाउंट. ठीक है, अमाउंट वट एवर द अमाउंट इज. और डायरेक्ट वेजेस के अकाउंट को जो नाम हम देते हैं, दैट इज वेज कंट्रोल अकाउंट. वी कॉल इट एज वेज कंट्रोल अकाउंट. ठीक है, तो डायरेक्ट वेजेस जब आप पे कर रहे हो, तो द एंट्री कम्स एज वेज कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू सीएलसी अकाउंट. ठीक है, जो सेकेंड नंबर का अकाउंट है उसको बनाओ वेज कंट्रोल अकाउंट. वेज कंट्रोल अकाउंट, यहां पे स्टार्टिंग में ऊपर गैप छोड़ने की जरूरत नहीं है. यू कैन से टू सीएलसी अकाउंट. ठीक है, वॉट एवर इज द अमाउंट, वो हो जाएगा वेज कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू सीएलसी अकाउंट. सेकेंड इफेक्ट सीएलसी अकाउंट में जाएगा, सीएलसी अकाउंट में क्रेडिट में आएगा बाय वेज कंट्रोल अकाउंट. ठीक है, बाय वेज कंट्रोल अकाउंट. इधर बहुत ज्यादा फैला फैला के मत लिखना, अपने पास जगह की थोड़ी सी किल्लत है. ठीक है, फाइन. Now, ये जो पहली एंट्री अपन ने मटेरियल्स की पास करी थी, दैट वॉज फॉर मटेरियल्स परचेस्ड. ठीक है, यहां पे आपने सिर्फ मटेरियल खरीदा था, बस खरीद के स्टोरेज में डाल दिया था, स्टोर्स में पड़ा है. ठीक है, यहां पे वो डेबिट होके पड़ा है, फिजिकली अपने स्टोर्स में पड़ा है वो मटेरियल. नाउ वही मटेरियल आपने उठा के यू इशूड टू प्रोडक्शन, यू इशूड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स. ठीक है, जो मटेरियल मेरे पास स्टोर्स में पड़ा था, आप उठा के वो मटेरियल इशू कर रहे हो प्रोडक्शन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए. तो नाउ जब आपने मटेरियल खरीदा था, तो आपने एसएलसी को डेबिट किया. अब जब यहां से स्टोर से मटेरियल जा रहा है, तो एसएलसी विल बी क्रेडिटेड.
SLC विल बी क्रेडिटेड, बराबर। जब मटेरियल आपने खरीदा तो वो डेबिट हुआ, मतलब इस अकाउंट में आया। अब जब मटेरियल जा रहा है तो इस अकाउंट से निकालना पड़ेगा, इस अकाउंट से निकालना पड़ेगा, मतलब यू हैव टू क्रेडिट SLC। और कहां भेजना पड़ेगा? एक ऐसा अकाउंट जहां पे प्रोडक्शन चल रहा है, और ऐसा अकाउंट जहां प्रोडक्शन चल रहा है दैट इज कॉल्ड एज वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट, विच विल बी आर अकाउंट नंबर 3। वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट, ठीक है, हम लोग इसको WIP अकाउंट करके बोलेंगे, ठीक है, विल जस्ट कॉल इट WIP अकाउंट। हम लोग ऐसे बड़े बड़े पूरे पूरे नाम नहीं यूज करेंगे अकाउंट में लिखने के लिए, जगह नहीं बचती है, ठीक है। तो डायरेक्ट मटेरियल्स इशूड टू प्रोडक्शन, डायरेक्ट मटेरियल्स इशूड टू प्रोडक्शन SLC क्रेडिट होगा एंड WIP डेबिट होगा, ठीक है। SLC के क्रेडिट में क्या आएगा? इट विल बी बाय WIP कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। व्हाट इज दिस? इट इज डायरेक्ट मटेरियल्स इशूड टू प्रोडक्शन, ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल्स इशूड टू प्रोडक्शन, ठीक है। तो SLC क्रेडिट होके कहां गई वो अमाउंट? वो अमाउंट आई WIP में। WIP में भी ऊपर एक लाइन छोड़ देना, ठीक है, ऊपर एक लाइन छोड़ के फिर लिखना टू SLC अकाउंट, ठीक है। पोस्टिंग कैसी हुई? जब डायरेक्ट मटेरियल्स आपने प्रोडक्शन को इशू किए तो आपने SLC अकाउंट क्रेडिट किया, ठीक है, मतलब मटेरियल्स के अकाउंट को क्रेडिट किया, क्योंकि मटेरियल्स ऑब्वियसली स्टोर से जा रहे, क्रेडिट होके कहाँ जा रहे? तो वो क्रेडिट होके WIP में आ रहे। हमने मटेरियल को स्टोर्स लेजर से निकाल के WIP में भेज दिया, ऐसा समझो आप, ठीक है। जर्नल एंट्री वाइज अगर सोचो तो जर्नल एंट्री क्या हुई? इट इज WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू SLC अकाउंट, ठीक है। जर्नल एंट्री वाइज इट इज WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू SLC अकाउंट। देन ये हुआ, ठीक है ना। यहां पे मटेरियल्स का हो गया, जब मटेरियल इशू किया तो स्टोर्स लेजर वॉज क्रेडिटेड एंड WIP वॉज डेबिटेड, ठीक है। ये हुए डायरेक्ट मटेरियल्स ट्रांसफर्ड टू प्रोडक्शन, इशूड टू प्रोडक्शन, फाइन। अब ये वेजेस है, ये जो एंट्री आपने करी थी दिस वॉज फॉर वेजेस पेड, दिस वॉज द एंट्री फॉर वेजेस पेड, आपने वेजेस पे किए। एंट्री क्या करी थी? वेज कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू CLC अकाउंट, ठीक है, और CLC अकाउंट के क्रेडिट में चला गया था वो, ठीक है। दिस वॉज जस्ट वेजेस पेड। अब मुझे ऐसा बोलना है कि सपोज आपने वेजेस पे किए ₹100 के, फाइन, ₹100 में से ₹70 समझो डायरेक्ट वेजेस है और ₹30 इनडायरेक्ट वेजेस है, चार्जिंग का फर्क पड़ेगा, ये अमाउंट कहां जाएगी उसका फर्क पड़ेगा, ठीक है। अब ₹100 पे किए हैं, पे तो कर दिए, वेजेस अकाउंट डेबिट आ गया ₹100, ठीक है, CLC क्रेडिट आ गया। अब वेजेस का जो ₹100 है उसको किस पे चार्ज करूं मैं, ठीक है, वेयर डू आई चार्ज? तो जब डायरेक्ट वेजेस चार्ज होते हैं, अगेन इट इज चार्ज डायरेक्टली टू द प्रोडक्शन, ठीक है, डायरेक्ट वेजेस आर चार्ज्ड टू प्रोडक्शन। और चार्ज टू प्रोडक्शन का मतलब यह है कि डायरेक्ट वेजेस वेज कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट होके WIP पे चार्ज होते हैं, WIP में जाते हैं, ठीक है। यहां पे एंट्री होगी बाय WIP कंट्रोल अकाउंट,
और WIP में डेबिट होगा टू वेज कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। दिस रिफ्लेक्ट्स व्हाट? दिस रिफ्लेक्ट्स डायरेक्ट वेजेस चार्ज्ड, दिस रिफ्लेक्ट्स डायरेक्ट वेजेस चार्ज्ड टू प्रोडक्शन, ठीक है। कैसे चार्ज कर रहे हैं? डायरेक्ट वेजेस, जैसे मटेरियल था, आप मटेरियल का ही लॉजिक अप्लाई कर सकते हो। आपने जब मटेरियल खरीदे थे, मटेरियल के जब पैसे दिए थे, तब आपने सिर्फ मटेरियल डेबिट किया था, मटेरियल डेबिट करके सीएलसी को क्रेडिट कर दिया था। जब आपने एक्चुअली प्रोडक्शन को इशू किए, मटेरियल भेजे प्रोडक्शन में, तब आपने मटेरियल को क्रेडिट करके WIP को डेबिट कर दिया, मतलब मटेरियल निकाल के भेज दिए। वेजेस में भी सिमिलर केस है। जब आप वेजेस पे कर रहे हो तो वेज कंट्रोल अकाउंट डेबिट होके सीएलसी अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। वेज कंट्रोल अकाउंट डेबिट होके सीएलसी अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। बट जब आपको मालूम पड़ा कि उसमें से इतने इतने एक्स अमाउंट के वेजेस डायरेक्ट वेजेस है, तो आप उसका क्या कर रहे हो? आप वेज कंट्रोल में क्रेडिट करके WIP में उसको डेबिट कर दे रहे हो। मतलब उतना हिस्सा कॉस्ट का आप उठा के WIP में चार्ज कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि अब मालूम पड़ गया कि वो डायरेक्ट वेजेस है। तो जब डायरेक्ट मटेरियल्स इशू हुए थे प्रोडक्शन पे, तो आपने SLC क्रेडिट करके WIP डेबिट किया। वैसे ही जब आपको मालूम पड़ा कि डायरेक्ट वेजेस है, तो आपने वेज कंट्रोल क्रेडिट करके वर्क इन प्रोग्रेस को डेबिट किया। मतलब डायरेक्ट मटेरियल्स भी वर्क इन प्रोग्रेस में आए और डायरेक्ट वेजेस भी वर्क इन प्रोग्रेस में आए, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल्स जब इशू हुए तो वर्क इन प्रोग्रेस में आए, डायरेक्ट वेजेस भी चार्ज हुए तो वर्क इन प्रोग्रेस में आए, ठीक है ना। अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए पे किए, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस पेड। नाउ डायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए हम यहां पे कोई अलग से अकाउंट नहीं बनाते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर स्ट्रेट अवे डेबिटेड टू वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। होता क्या है, हर जॉब के लिए अलग WIP अकाउंट बनता है, ठीक है। सपोज जैसे मैं मूर्तियां बना रहा हूं, मेरे को गणपति जी की मूर्ति का ऑर्डर आया है, तो वो ऑर्डर के लिए मैं एक WIP अकाउंट अलग बनाऊंगा, ठीक है। देन फिर मुझे और कोई, समझो कृष्ण भगवान की मूर्ति का ऑर्डर आया है, उनके लिए एक और WIP अकाउंट अलग बनेगा, ठीक है। मुझे कोई पॉलिटिशियन के मूर्ति का ऑर्डर आता है, उनके लिए एक और WIP अकाउंट अलग बनेगा। तो हर जॉब का WIP अलग बनता है। जब आप मटेरियल इशू करते हो उस काम के लिए, तो आप आपके मटेरियल में से क्रेडिट करके उस पर्टिकुलर काम के WIP को डेबिट कर देते हो, ठीक है, ताकि वो कॉस्ट उसको चार्ज हो जाए, उस जॉब को, ठीक है। तो समझो मैंने मटेरियल इशू किया गणपति जी की मूर्ति बनाने के लिए, तो मटेरियल क्रेडिट होके गणपति जी के मूर्ति का WIP अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। उसको कुछ अलग नाम दे सकते हैं हम, जैसे WIP ऑफ गणपति जी अकाउंट, ऐसा कुछ भी, ठीक है। सिमिलरली मैंने वापस मटेरियल इशू किए दुर्गा माता के मूर्तियां बनाने के लिए, तो वापस स्टोर्स लेजर क्रेडिट होगा और दुर्गा माँ का WIP अकाउंट विल बी डेबिटेड, ठीक है। तो जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस खर्च होते हैं, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगते हैं सीधे उस जॉब पे, वो हम सीधे की सीधे उसी WIP अकाउंट में डेबिट कर देते हैं, ठीक है। यूजुअली अपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस की एंट्री क्या आएगी? डायरेक्ट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, यूजुअल एंट्री। बट हमारे पास कैश और बैंक नहीं है, तो हम लोग कैश और बैंक की जगह CLC अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस की जगह सीधा WIP अकाउंट डेबिट करते हैं। तो द एंट्री बिकम्स
WIP अकाउंट डेबिट टू CLC अकाउंट, WIP अकाउंट डेबिट टू CLC अकाउंट, ठीक है। यहां पे आएगा WIP अकाउंट डेबिट टू CLC अकाउंट, ठीक है। व्हाट इज इट? इट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस पेड, इट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस पेड, WIP अकाउंट डेबिट टू CLC अकाउंट। यहां पे CLC के क्रेडिट में आएगा बाय WIP अकाउंट या बाय WIP कंट्रोल अकाउंट रादर, ठीक है, फाइन। देन अब नेक्स्ट जवाब आपको आ जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो जर्नल एंट्री में पूछ रहा हूं वो आपको खुद से आ जानी चाहिए। प्रोडक्शन ओवरहेड्स पेड ₹100, प्रोडक्शन ओवरहेड्स पेड ₹100, ठीक है। अब ऑब्वियस है मुझे सुनाई तो आएगा नहीं, बट आई होप यू गिव द राइट आंसर। इट विल बी प्रोडक्शन ओवरहेड्स अकाउंट डेबिट टू CLC अकाउंट, कैश और बैंक नहीं है। नॉर्मल एंट्री होती तो हम प्रोडक्शन ओवरहेड्स डेबिट टू कैश और बैंक करते हैं, कैश और बैंक है नहीं तो हम लोग कर रहे प्रोडक्शन ओवरहेड्स अकाउंट डेबिट टू CLC अकाउंट, ठीक है। तो फोर्थ नंबर का जो अकाउंट है दैट विल बी टेकन एज प्रोडक्शन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट, प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू CLC अकाउंट। दिस इज प्रोडक्शन ओवरहेड्स पेड, दिस इज प्रोडक्शन ओवरहेड्स पेड, ठीक है। तो CLC अकाउंट क्रेडिट होगा, CLC अकाउंट में आ जाएगा बाय प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, प्रोडक्शन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। तो आप कोई भी खर्चा जब पे कर रहे हो तो आप वो खर्चा डेबिट टू CLC कर रहे हो। जब आपने मटेरियल खरीदे थे तो मटेरियल टू CLC, मतलब SLC टू CLC। जब आपने वेजेस पे किए तो दैट वाज वेज कंट्रोल टू CLC। अब जब आप प्रोडक्शन ओवरहेड्स पे पैसा खर्च कर रहे हो तो दैट विल बी प्रोडक्शन ओवरहेड्स टू CLC, ठीक है, क्योंकि कैश और बैंक नहीं है, सिंपली, फाइन। ये तो प्रोडक्शन ओवरहेड्स पे हुआ। नाउ प्रोडक्शन ओवरहेड्स चार्ज्ड टू प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ओवरहेड्स चार्ज टू प्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल समझो आपने ₹100 का प्रोडक्शन ओवरहेड्स पे किया। अब ये 100 के प्रोडक्शन ओवरहेड्स में से सपोज ₹90 का ओवरहेड्स आपको चार्ज करने हैं ओवर दिस प्रोडक्शन। जो भी अपना WIP चल रहा है, जो भी जॉब अपन कर रहे हैं, उसमें ₹90 आपको चार्ज करना है, तो आप क्या करोगे? नाउ आपको प्रोडक्शन ओवरहेड्स चार्ज करने हैं, तो जैसा आपने मटेरियल के लिए किया, जैसा आपने वेजेस के लिए किया, वैसा ही प्रोडक्शन ओवरहेड्स के लिए होगा। प्रोडक्शन ओवरहेड्स टू बी चार्ज्ड, मतलब प्रोडक्शन ओवरहेड्स क्रेडिट होगा एंड WIP विल बी डेबिटेड, प्रोडक्शन ओवरहेड्स क्रेडिट होके WIP विल बी डेबिटेड। यहां पे आएगा बाय WIP कंट्रोल अकाउंट, this will be production overheads charged, production overhead charged। अब इसको अलग अलग नाम है, you can call it production overheads charged, you can call it production overhead absorbed, you can call it
प्रोडक्शन ओवरहेड्स रिकवर्ड, यू कैन कॉल इट प्रोडक्शन ओवरहेड्स अप्लाइड, ये सब का मतलब एक ही है कि भाई प्रोडक्शन ओवरहेड्स को जॉब पे चार्ज कर दिया, तो प्रोडक्शन ओवरहेड्स क्रेडिट, WIP विल बी डेबिटेड, सॉरी इधर आ जाएगा टू प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट, मैं कंट्रोल नहीं लिख रहा हूं फिलहाल, दिस विल बी प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट। ठीक है, तो जब प्रोडक्शन ओवरहेड्स पे हुआ तो इट वाज प्रोडक्शन ओवरहेड्स अकाउंट डेबिट टू सीएलसी अकाउंट, जब प्रोडक्शन ओवरहेड्स चार्ज हुआ तो प्रोडक्शन ओवरहेड्स क्रेडिट होके यू चार्ज्ड इट ऑन WIP। ठीक है, नाउ अभी तक की जो जो एंट्रीज हमारी हुई है मैं क्विकली पहले उसको रिकॉल करवा लेता हूं आपसे कि हमने क्या एंट्रीज पास करी। ठीक है, अब एंट्री वाइज अपने को यह सोचना है कि अपन ने क्या डेबिट किया और क्या क्रेडिट किया। ठीक है, रॉ मटेरियल्स परचेस्ड डेबिट क्या किया SLC, क्रेडिट क्या किया है CLC। ठीक है, SLC डेबिट किया और CLC क्रेडिट किया, फाइन। रॉ मटेरियल्स इशूड टू प्रोडक्शन, जब रॉ मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन है तो डेबिट क्या किया WIP और क्रेडिट क्या किया SLC। जब आप रॉ मटेरियल प्रोडक्शन को इशू कर रहे हो तो SLC से निकल के WIP में जाएगा, तो SLC से क्रेडिट होके वो WIP में आ रहा है। ठीक है, Wages paid की एंट्री क्या कही है? वेज कंट्रोल डेबिट क्या किया वेज कंट्रोल अकाउंट, क्रेडिट क्या किया CLC अकाउंट। ठीक है, पेमेंट की एंट्री स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेज कंट्रोल अकाउंट डेबिट, CLC अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, वेजेस डायरेक्ट वेजेस चार्ज्ड टू प्रोडक्शन, डायरेक्ट वेजेस चार्ज्ड टू प्रोडक्शन डेबिट क्या किया WIP, क्रेडिट क्या किया वेज कंट्रोल। तो डायरेक्ट वेजेस जब आप पे कर रहे हो तो वेजेस डेबिट होके CLC क्रेडिट होगा, जब आप चार्ज कर रहे हो तो वेजेस क्रेडिट होके WIP पे चार्ज हो जाएंगे। ठीक है, तो वो वेजेस क्रेडिट होके WIP में चार्ज होगा, फाइन। देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस पेड क्या किया, सीधा WIP डेबिट करके CLC क्रेडिट कर दिया। डायरेक्ट एक्सपेंस का कोई अलग अकाउंट नहीं है जहां आप पहले पे करोगे फिर चार्ज करोगे वेजेस के जैसा, ऐसा नहीं है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस सीधा है, सीधा WIP में डेबिट करके CLC क्रेडिट। ठीक है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स पेड तो प्रोडक्शन ओवरहेड्स पेड, प्रोडक्शन ओवरहेड्स डेबिट CLC क्रेडिट। ठीक है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स पेड, प्रोडक्शन ओवरहेड्स डेबिट CLC क्रेडिट। प्रोडक्शन ओवरहेड्स चार्ज्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स क्रेडिट एंड वर्क इन प्रोग्रेस WIP अकाउंट डेबिट। ठीक है, जब चार्ज कर रहे हो प्रोडक्शन ओवरहेड्स तो प्रोडक्शन ओवरहेड्स क्रेडिट करके WIP पे चार्ज कर रहे हो, WIP में लेके आ रहे हो। ठीक है, फाइन। अब तक हम लोगों ने इतनी एंट्रीज देखी है। ठीक है, नाउ इसमें मजे की बात, वर्क इन प्रोग्रेस का अकाउंट का डेबिट साइड जो अभी तक आया है उसको स्टडी करते हैं हम लोग। क्या क्या आया है, दिस इज रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड, मतलब डायरेक्ट मटेरियल्स, दिस इज डायरेक्ट वेजेस, दिस इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मतलब आई कैन से ये पूरा प्राइम कॉस्ट हुआ,
बराबर है, डायरेक्ट मटेरियल्स कंज्यूम, डायरेक्ट वेजेस चार्ज एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीनों मिला के होता है प्राइम कॉस्ट। बराबर, मैंने इसके लिए बोला था आपको कॉस्ट शीट आनी चाहिए ये लेक्चर से पहले, ठीक है। ये हुआ प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में आप क्या करते हो, एड फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये नीचे फैक्ट्री ओवरहेड्स, द प्रोडक्शन ओवरहेड्स। तो प्राइम कॉस्ट में जब आप फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड कर देते हो तो ये आपको देता है फैक्ट्री कॉस्ट ग्रॉस। तो ये सब मिला के, अभी लिखना मत यहां पे, सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूं, दिस इज फैक्ट्री कॉस्ट ग्रॉस। बराबर, ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूं, दिस इज डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट लेबर मतलब वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट में ऐड किया फैक्ट्री ओवरहेड्स, वी गॉट फैक्ट्री कॉस्ट ग्रॉस। ठीक है, फैक्ट्री कॉस्ट ग्रॉस के बाद क्या होता है, ऐड ओपनिंग WIP लेस क्लोजिंग WIP। तो इसी अकाउंट में वी विल ऐड ओपनिंग बैलेंस ऑफ WIP, ये खुद ही WIP का अकाउंट है, तो ऐड ओपनिंग बैलेंस ऑफ WIP लेस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ WIP लेस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ WIP, तो क्या मिलता है अगर इस अकाउंट का मैंने बैलेंस निकाला, तो दैट विल बी फैक्ट्री कॉस्ट नेट, लिखना मत रुको, दिस विल बी फैक्ट्री कॉस्ट नेट, मतलब सिंपली फैक्ट्री कॉस्ट यू कैन से, ठीक है, जो भी आता है दैट इज फैक्ट्री कॉस्ट, लिखना मत, मैं वापस बता रहा हूं। इतना पार्ट हुआ था प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में हमने किया एड फैक्ट्री ओवरहेड्स, एड फैक्ट्री ओवरहेड्स किया, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स गिव्स यू फैक्ट्री कॉस्ट ग्रॉस। उसमें मैंने अगर एड ओपनिंग WIP और लेस क्लोजिंग WIP किया तो जो बैलेंस बचता है दैट इज फैक्ट्री कॉस्ट नेट, और फैक्ट्री कॉस्ट नेट पे क्या होता है, फैक्ट्री कॉस्ट नेट पे फिनिश्ड गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं। बराबर, अपना यह भी डिस्कशन हुआ है कॉस्ट शीट में, फैक्ट्री कॉस्ट पे फिनिश गुड्स बन जाते हैं, वो उनकी पूरी कॉस्ट नहीं होती है लेकिन फैक्ट्री कॉस्ट पे फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर हो जाते हैं। तो दिस विल गो टू फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट, दिस विल गो टू फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट, तो बाय फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट, यहां क्या हुआ, फिनिश्ड गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, दिस इज फिनिश्ड गुड्स मैन्युफैक्चर्ड या फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस्ड, जैसा भी आपको लिखना है, फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस्ड, ठीक है। एंड व्हाट डज दिस रिफ्लेक्ट, इट रिफ्लेक्ट्स फैक्ट्री कॉस्ट, इट रिफ्लेक्ट्स द फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। आप जब ये सारी अमाउंट्स को नेट ऑफ करोगे तो आपको फैक्ट्री कॉस्ट मिलने वाला है, और फैक्ट्री कॉस्ट पे फिनिश गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, और इसीलिए वो फिनिश गुड्स प्रोड्यूस होके फिनिश गुड्स के अकाउंट में चले जाएंगे, ठीक है, फिनिश गुड्स के अकाउंट में चले जाएंगे। तो यहाँ पे WIP से क्रेडिट होके फिनिश गुड्स के अकाउंट में डेबिट होंगे, फिनिश गुड्स का अकाउंट टेक इट एज नंबर 7, दिस विल बी फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट, ऊपर से एक लाइन छोड़ देना, विल से 2 WIP कंट्रोल अकाउंट, टू WIP कंट्रोल अकाउंट,
ठीक है। तो जब फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर हुए तो हम लोगों ने एंट्री क्या करी, हम लोगों ने WIP से निकाल के उसको फिनिश गुड्स में भेज दिया, WIP से क्रेडिट करके उसको फिनिश गुड्स में ला दिया, फिनिश गुड्स में डेबिट कर लिया, ठीक है। तो फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर हो गए। एंड व्हाट डस दिस अमाउंट रिफ्लेक्ट, इट रिफ्लेक्ट फैक्ट्री कॉस्ट नेट, ठीक है। ये जो है दिस इज फैक्ट्री कॉस्ट नेट या सिंपली फैक्ट्री कॉस्ट यू कैन से। सिंपली दिस इज फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द अरेंजमेंट हियर, WIP की अरेंजमेंट क्या है। WIP में ये डेबिट में तीनों प्राइम कॉस्ट आ गए, प्राइम कॉस्ट के साथ एड प्रोडक्शन ओवरहेड्स हुआ, ये हो गया फैक्ट्री कॉस्ट ग्रॉस, उसमें एड ओपनिंग बैलेंस ऑफ WIP और लेस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ WIP, ये हो गया फैक्ट्री कॉस्ट नेट जिस पे फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर हो गए। अब फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर हो गए तो WIP अकाउंट में थोड़ी ना बचेंगे, WIP तो कंट्रोल वर्क इन प्रोग्रेस का अकाउंट है, जहां पे काम होना बाकी है। तो अगर फिनिश गुड्स प्रोड्यूस हो चुके हैं तो WIP में से निकाल के फिनिश गुड्स के अकाउंट में भेजो, WIP से क्रेडिट करके फिनिश गुड्स में डेबिट करो, ठीक है। अगर फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर हो ही गए तो फाइन, ठीक है। यहां तक हम लोग अभी तक पहुंचे। नेक्स्ट एंट्री, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स पेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स पेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। अभी एंट्री आपको आ जानी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स पेड विल बी एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स डेबिट टू CLC अकाउंट, ठीक है। पेमेंट की एंट्री है सिंपली। तो पांचवा नंबर का अकाउंट हम लोग बोलेंगे, लेट्स कॉल इट ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स अकाउंट डेबिट टू CLC अकाउंट, दिस इज ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स पेड, दिस इज ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स पेड, ठीक है। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स अकाउंट डेबिट टू CLC अकाउंट, तो CLC अकाउंट में क्रेडिट होगा बाय ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। उतना पूरा लंबा नहीं लिख रहा हूं मैं, तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट डेबिट टू CLC अकाउंट, ठीक है। ये तो हुई पेमेंट की एंट्री। अब ये ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट्स हमको गुड्स पे चार्ज करना पड़ेगा, प्रोडक्शन पे चार्ज करना पड़ेगा, बट फिनिश गुड्स कहां पे पड़े, बराबर। आपके फिनिश गुड्स WIP से निकल के फिनिश गुड्स अकाउंट में जा चुके हैं, तो इस अमाउंट को WIP पे चार्ज करने का कोई फायदा नहीं है। गुड्स तो वहां से निकल गए, जो मैन्युफैक्चर हुआ है वो वहां से निकल गया है, तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स को चार्ज करना है तो वहां चार्ज करो जहां गुड्स पड़े हैं। गुड्स कहां पड़े हैं, गुड्स फिनिश्ड गुड्स के अकाउंट में डेबिट होके पड़े हैं, तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स विल बी चार्ज टू फिनिश गुड्स। मतलब ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स अगर चार्ज होंगे तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स विल बी क्रेडिटेड एंड इट विल बी फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट विच विल बी डेबिटेड, ठीक है। अगेन दिस कैन बी कॉल्ड एज चार्ज्ड, अब्सॉर्ब्ड, व्हाटएवर, ऊपर जो नाम लिखे थे हमने, रिकवर्ड, अप्लाइड, ठीक है। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स क्रेडिट होके कहां चार्ज होंगे, फिनिश गुड्स पे,
दिस विल बी टू ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स अकाउंट. ठीक है, ये हुई ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स के चार्जिंग की एंट्री. ठीक है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स कहां चार्ज हुए थे? प्रोडक्शन ओवरहेड जब आपने पे किए थे तो प्रोडक्शन डेबिट करके सीएलसी क्रेडिट किया था. जब चार्ज करने की बारी आई तो प्रोडक्शन क्रेडिट करके डब्ल्यूआईपी पे चार्ज किया है आपने. ठीक है, डब्ल्यूआईपी पे चार्ज किया है आपने क्योंकि तब तक काम चल रहा था. जब एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड चार्ज करने की बारी आई तब तक तो फिनिश गुड्स निकल के फिनिश गुड्स के अकाउंट में चले गए. तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स जब पे किया तो डेबिट करके सीएलसी को क्रेडिट किया, जब चार्ज करना था तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन क्रेडिट करके फिनिश गुड्स को डेबिट किया. ठीक है, अब फिनिश गुड्स का अकाउंट देखो. आपने WIP से फैक्ट्री कॉस्ट लाया था. WIP से जब फिनिश गुड्स बन के निकल के यहां आए तो दैट वॉज फैक्ट्री कॉस्ट नेट. बराबर, दिस इज फैक्ट्री कॉस्ट नेट. एड टू इट ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स. फैक्ट्री कॉस्ट नेट में ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स ऐड किया तो व्हाट वी गेट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, लिखो मत, जस्ट समझो. दिस इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये जो हमको यहां मिला है. ठीक है, दिस इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. तो ठीक है, ये वाला लॉजिक मैं वापस बता देता हूं. WIP से जब फिनिश गुड्स बन के आए तो फैक्ट्री कॉस्ट पे आए थे, फैक्ट्री कॉस्ट नेट. उसमें आपने ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स ऐड किया तो ये बन गया आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. नाउ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या होता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड ओपनिंग फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग फिनिश गुड्स होता है. आप फिनिश गुड्स के अकाउंट में ही हो तो एड ओपनिंग बैलेंस ऑफ फिनिश गुड्स, एड ओपनिंग बैलेंस ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फिनिश गुड्स गिव्स यू व्हाट. ये पूरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था. उसमें आपने ओपनिंग बैलेंस ऑफ फिनिश गुड्स ऐड किया और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फिनिश गुड्स लेस किया तो जो बैलेंस बचेगा उसको क्या बोलेंगे? इट विल बी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. इट विल बी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. तो ये वही ट्रांसफर होते हैं बाय COGS अकाउंट. दिस अमाउंट reflects the cost of goods sold and is transferred to cost of goods sold account. ठीक है, that will be account number 8. Cost of goods sold account. We'll just write as COGS. So COGS में debit हो जाएगा to finished goods control account. फिनिश गुड्स से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ट्रांसफर हुआ. ठीक है, कॉस्ट शीट वाइज क्या है? फैक्ट्री कॉस्ट नेट प्लस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स गिव्स यू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. एड ओपनिंग फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग फिनिश गुड्स गिव्स यू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. तो ये जो बैलेंस है ये बैलेंस ट्रांसफर होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में. ठीक है, ये आ गया यहां पे. फाइन, नाउ नेक्स्ट एंट्री, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स पेड. अब तक तो आपको एकदम याद हो जानी चाहिए क्या एंट्री है ये. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स पेड
मतलब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स अकाउंट डेबिट टू सीएलसी अकाउंट, ठीक है। तो जो 6 नंबर का अकाउंट है विल कॉल दैट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू सीएलसी अकाउंट। सेकेंड इफेक्ट सीएलसी में जाएगा, सीएलसी के क्रेडिट में आ जाएगा बाय सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अकाउंट, एक्सक्यूज मी, बाय सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अकाउंट, ठीक है। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, दिस इज द एंट्री फॉर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स पेड, ठीक है। नाउ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स चार्ज्ड, अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स जब हम चार्ज करते हैं तो हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे नहीं चार्ज करते हैं, ठीक है। अभी हमारे पूरे गुड्स यहां आके पड़े हैं, ठीक है। एक्चुअली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अकाउंट इज अ यूजलेस अकाउंट, वी जनरली डू नॉट प्रिपेयर इट। हम क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से उठा के सीधा उसको ट्रांसफर कर देते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स में, बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, ठीक है, विच इज अकाउंट नंबर 9। कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट ये हो जाएगा टू COGS अकाउंट, ठीक है। इफेक्टिवली क्या हुआ, जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की अमाउंट थी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की जो अमाउंट थी वो फिनिश गुड से क्रेडिट होके कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में आ गई। हम एज इट इज सीधा का सीधा उसको उठा के यहां क्रेडिट करके कॉस्ट ऑफ सेल्स में लेके आ जाते हैं, मतलब इफेक्टिवली कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का अकाउंट कुछ काम का नहीं है, ठीक है। इट इज एज गुड एज सेइंग कि अगर फिनिश गुड से क्रेडिट करके सीधा कॉस्ट ऑफ सेल्स में लाया तो भी चलेगा, ठीक है। यहां कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ना करते हुए आपने अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स में लाया सीधा तो भी चलेगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं बनाया तो भी चलेगा, क्योंकि वो अकाउंट में हम कुछ भी नहीं करते, ठीक है। बट ठीक है, राइट नाउ हम थोड़ा मेथड से जा रहे हैं, तो हम लोग पहले ये अमाउंट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में ट्रांसफर करेंगे और फिर वही अमाउंट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से कॉस्ट ऑफ सेल्स में लेके आ जाएंगे, ठीक है। This amount is reflecting what? It is still reflecting the cost of goods sold. Cost sheet wise, it is still reflecting cost of goods sold. ठीक है? Now selling and distribution overheads जब आपको charge करने हैं, तो आप selling and distribution overheads credit करके cost of sales पे charge करोगे. You will charge it on cost of sales. यहां डेबिट करोगे, ठीक है। तो जब चार्जिंग की एंट्री रहेगी तो कॉस्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स क्रेडिट होके इट विल बी बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। दिस इज द एंट्री फॉर चार्ज, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट विल बी डेबिटेड, दिस विल बी टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कहां चार्ज हुआ, कॉस्ट ऑफ सेल्स पे, ठीक है। प्लीज नोट, तीनों ओवरहेड्स अलग अलग जगह चार्ज हो रहे हैं। प्रोडक्शन ओवरहेड्स क्रेडिट होके WIP में चार्ज होता है,
ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स क्रेडिटों के फिनिश गुड्स पे चार्ज होता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स क्रेडिटों के कॉस्ट ऑफ सेल्स पे चार्ज होता है, ठीक है। तो ये कॉस्ट ऑफ सेल्स में चला गया, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स का अकाउंट नोट करो आप, पहली अमाउंट वॉज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐड किया तो व्हाट वी गेट इज कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। वो दोनों मिला के जो मिल रहा है दैट इज द कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। क्या करना उस कॉस्ट ऑफ सेल्स का, ट्रांसफर इट टू कॉस्टिंग पीएनएल, ट्रांसफर इट टू कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट, ठीक है। कॉस्टिंग का प्रॉफिट अलग बनता है, कॉस्टिंग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग बनता है, फाइनेंशियल पीएनएल अलग बनता है, ठीक है। तो यहां से क्रेडिट होगा बाय कॉस्टिंग पीएनएल और कॉस्टिंग पीएनएल में डेबिट होगा, ठीक है। तो जो 10th अकाउंट है दैट विल बी योर कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट, यहां पे डेबिट होगा टू कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, तो आई विल जस्ट राइट इट एज टू सीओएस अकाउंट, टू सीओएस अकाउंट। ये क्या एंट्री हुई, डेबिट की दोनों अमाउंट मिला दी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, तो ये दोनों अमाउंट मिला के कॉस्ट ऑफ सेल्स बन जाती है। हम इस अकाउंट का बैलेंस उठा के कॉस्टिंग पीएनएल में ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स को क्रेडिट करके हमने इस बैलेंस को भेज दिया कॉस्टिंग पीएनएल के डेबिट में, ठीक है, फाइन। देन कॉस्ट ऑफ सेल्स तक हम आ गए। नाउ कॉस्ट शीट के हिसाब से द लास्ट एंट्री विल बी सेल्स। यूजुअली नॉर्मल अकाउंटिंग में व्हाट इज द एंट्री फॉर सेल्स, इट इज कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, टू सेल्स। ठीक है, आप में से कोई बोलेगा अगर क्रेडिट सेल होगा तो वो कैश और बैंक की जगह डेटर आ जाएगा, डेटर अकाउंट डेबिट, ठीक है। वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट, हमारे पास ना कैश और बैंक है ना डेटर अकाउंट है, तो व्हाट विल वी डेबिट, सेल्स के लिए वील डेबिट सीएलसी अकाउंट, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट। हमारे पास सेल्स का अकाउंट भी नहीं है, हमारे पास सेल्स का भी अकाउंट नहीं। नाउ सेल्स का अकाउंट फाइनेंशियल पीएनएल में मैं अगर सोचूं तो अल्टीमेटली उसका बैलेंस कहां ट्रांसफर होता है एंड में, तो सेल्स अकाउंट उठा के आप अल्टीमेटली पीएनएल में ट्रांसफर कर देते हो, तो मैं यहां पे सेल्स अकाउंट की जगह कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट क्रेडिट करूंगा। आई डोंट हैव सेल्स अकाउंट, तो मैं सीधा कॉस्टिंग पीएनएल क्रेडिट करूंगा। तो मेरे सेल्स की एंट्री हुई सीएलसी अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट, ठीक है। सीएलसी अकाउंट डेबिट मतलब 11th अकाउंट में आएगा टू कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट। दिस एंट्री रिफ्लेक्ट्स सेल्स, कॉस्टिंग पीएनएल के क्रेडिट में आएगा बाय CLC अकाउंट, दिस रिफ्लेक्ट सेल्स, ठीक है। यूजुअल एंट्री इज कैश और बैंक टू सेल्स, मैं कैश और बैंक की जगह CLC यूज कर रहा हूं और सेल्स की जगह कॉस्टिंग पीएनएल। माई एंट्री इन दिस नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग बिकम्स CLC अकाउंट डेबिट, कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। अब कॉस्टिंग पीएनएल का अकाउंट देखो, क्रेडिट में इट इज सेल्स, डेबिट में इट इज कॉस्ट ऑफ सेल्स। व्हाट इज सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स,
इट इज आइदर प्रॉफिट और लॉस. आई एम अज्यूमिंग इट इज प्रॉफिट. यहाँ आप ऐसा अकाउंट बैलेंस करोगे, यहाँ पे जो भी बैलेंस आएगा दैट विल रिफ्लेक्ट योर प्रॉफिट. ठीक है, अभी हम मान रहे कि प्रॉफिट है समझो. अब ये जो प्रॉफिट है यू विल नॉट कीप इट हियर, यू विल ट्रांसफर दिस प्रॉफिट टू सीएलसी अकाउंट. ठीक है, नॉर्मली क्या है, अपन बोल देते हैं भाई टू नेट प्रॉफिट बोल के खत्म कर देते. हम यहां इसको नेट प्रॉफिट बोल के खत्म नहीं कर सकते हैं, विल हैव टू ट्रांसफर इट टू सीएलसी अकाउंट, टू सीएलसी अकाउंट. दिस रिफ्लेक्ट्स व्हाट? नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड सीएलसी के क्रेडिट में आ जाएगा बाय कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट. क्यों ट्रांसफर किया नेट प्रॉफिट? क्योंकि मुझे ये अकाउंट क्लोज करना था, कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट बंद करना था, मुझे बैलेंस नहीं छोड़ना है उस अकाउंट में. मैं अगर कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट में बैलेंस छोड़ने लग गया तो अगले साल जो प्रॉफिट इसमें एड अप होगा, अगले साल की भी एंट्रीज इसमें ही होगी. अगर कॉस्टिंग पीएनएल में इस साल मैंने क्लोजिंग बैलेंस छोड़ दिया तो अगले साल क्या होएगा वो सोचो, उसमें अगले साल की एंट्रीज और ऐड होती जाएगी. तो अगला साल में जो कॉस्टिंग पीएनएल फाइनल बैलेंस दिखाएगा वो उस साल का प्रॉफिट नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें पीछे के बैलेंस कैरी हो रहा है, कैरी फॉरवर्ड हो रहा है. और मुझे कॉस्टिंग पीएनएल का बैलेंस हमेशा इस साल का प्रॉफिट चाहिए. ठीक है, मुझे कॉस्टिंग पीएनएल का जो बैलेंस चाहिए वो इस साल का प्रॉफिट चाहिए, पीछे का कुछ भी कैरी ओवर नहीं आना चाहिए उसमें. And that is why we close this account. Costing PNL बंद करके CLC में ट्रांसफर कर दो, नहीं चाहिए अपने को बैलेंस. अगले साल नया costing PNL स्टार्ट करेंगे, नया costing PNL स्टार्ट करेंगे ताकि वो प्रॉफिट या लॉस सिर्फ उस साल का बताए, पीछे का कुछ उसमें कैरी नहीं होना चाहिए. And that is why we close this account and transfer the balance to CLC. ठीक है, CLC बेसिकली रिफ्लेक्ट्स अ काउंटर बैलेंसिंग टाइप की चीज. ठीक है, इट रिफ्लेक्ट्स अ काउंटर बैलेंसिंग टाइप की चीज. काउंटर बैलेंसिंग मतलब वो सेकेंड इफेक्ट देने के लिए बनाया हुआ अकाउंट है वो. ठीक है, क्योंकि कुछ अकाउंट्स हमारे पास है नहीं, तो सेकेंड इफेक्ट देने के लिए हमको कुछ तो अकाउंट चाहिए था, हमने ये बना दिया था कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट. ठीक है, अभी हुआ नहीं है, अभी थोड़ा सा बाकी है, आगे और स्पेशल चीजें हैं. ठीक है, अभी मोटा मोटी जो एंट्रीज अपनी हुई है एक बार फिर से फ्लो देख लेते हैं, फ्लो रिवाइज कर लेते हैं इसका क्या है. ठीक है, स्टार्टिंग विथ मटेरियल अकाउंट मतलब स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट. जब आपने मटेरियल परचेज किया तो आपने क्या किया? स्टोर्स लेजर एसएलसी अकाउंट डेबिट, सीएलसी अकाउंट क्रेडिट. जब आपने डायरेक्ट मटेरियल इशू किया प्रोडक्शन में तो आपने क्या किया? एसएलसी क्रेडिट करके डब्ल्यूआईपी डेबिट किया. ठीक है, आपने उसको डब्ल्यूआईपी में भेज दिया. फाइन, वेजेस, वेजेस जब आपने पे किए तो वेज कंट्रोल अकाउंट डेबिट, सीएलसी अकाउंट क्रेडिट. जब आपने डायरेक्ट वेजेस प्रोडक्शन पे चार्ज करने थे तो आपने डब्ल्यूआईपी को डेबिट किया और वेज कंट्रोल को क्रेडिट किया. ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस पेड, डायरेक्ट एक्सपेंसेस स्ट्रेट अवे आपने डब्ल्यूआईपी में लिया, डब्ल्यूआईपी अकाउंट डेबिट किया और सीएलसी अकाउंट क्रेडिट किया. ठीक है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स पेड, प्रोडक्शन ओवरहेड्स पेड मतलब प्रोडक्शन ओवरहेड्स अकाउंट डेबिट किया और सीएलसी अकाउंट क्रेडिट किया. ठीक है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स क्रेडिट करके डब्ल्यूआईपी अकाउंट
डेबिट किया, प्रोडक्शन ओवरहेड्स WIP पे चार्ज होता है, ठीक है, फाइन। फिर हमने इस WIP अकाउंट को देखा था, हमने क्या देखा कि ये तीनों प्राइम कॉस्ट, ये तीनों चीजें प्राइम कॉस्ट है, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एड फैक्ट्री ओवरहेड्स, या क्या फैक्ट्री कॉस्ट ग्रॉस, एड ओपनिंग WIP लेस क्लोजिंग WIP, या आया फैक्ट्री कॉस्ट नेट, और फैक्ट्री कॉस्ट नेट पे फिनिश गुड्स प्रोड्यूस हो गए, मैन्युफैक्चर हो गए। क्योंकि फैक्ट्री कॉस्ट नेट पे फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर हो गए, आपने उस बैलेंस को उठा के भेज दिया फिनिश गुड्स के अकाउंट में। तो जब फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर हुए, आपने WIP में से उठा के फिनिश गुड्स में भेज दिया, ऑब्वियसली बनते पे, मतलब WIP में, मतलब अब तक बन रहे, अगर पूरे बन गए तो मैं WIP में क्यों रखूंगा, मैं उठा के भेज दूंगा उधर फिनिश गुड्स में। तो जब फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर हुए तो आपने WIP क्रेडिट करके फिनिश गुड्स को डेबिट किया था, ठीक है। देन ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स पेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स पेड, तो जब पे कर रहे हो तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स अकाउंट डेबिट टू CLC अकाउंट, बराबर, CLC क्रेडिट होगा। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स चार्ज्ड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स फिनिश गुड्स पे चार्ज होता है, अभी गुड्स फिनिश गुड्स के अकाउंट में पड़े, तो यहां ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन क्रेडिट करके फिनिश गुड्स डेबिट होता है, ठीक है, फिनिश गुड्स डेबिट होता है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन क्रेडिट होके फिनिश गुड्स डेबिट होता है, फाइन। अगर मैं फिनिश गुड्स का अकाउंट देखूं तो फैक्ट्री कॉस्ट नेट प्लस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स गिव्स मी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, तो ये जो दोनों है, ये दोनों मिलके आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एड ओपनिंग फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग फिनिश गुड्स गिव्स यू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, गिव्स यू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये जो बैलेंस है, दिस रिफ्लेक्ट्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अकाउंट में, लेकिन हम यहां रखते नहीं है, हम इसको यहां से फिर से ट्रांसफर कर देते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स में, ठीक है। तो समझो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में 10,000 रुपए आए थे फिनिश गुड्स से, ये 10,000 सीधा यहां क्रेडिट करके कॉस्ट ऑफ सेल्स में डेबिट हो जाता है, ठीक है, मतलब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कुछ करते ही नहीं है, कुछ रखते ही नहीं है, एज गुड एज डमी अकाउंट समझ लो उसको, ठीक है। देन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स पेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स पेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स डेबिट CLC क्रेडिट, ठीक है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स डेबिट करके CLC क्रेडिट, पेमेंट की एंट्री है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स चार्ज्ड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कहां चार्ज होते हैं, ओवर कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स क्रेडिट होके कॉस्ट ऑफ सेल्स इज डेबिटेड, कॉस्ट ऑफ सेल्स इज डेबिटेड, ठीक है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जब चार्ज होते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्रेडिट होके कॉस्ट ऑफ सेल्स इज डेबिटेड। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स में मैं अगर देखूं तो दो चीजें आती है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, विच इफेक्टिवली इज कॉस्ट ऑफ सेल्स, उसका बैलेंस उठा के आई ट्रांसफर इट टू कॉस्टिंग P&L, I transfer it to costing P&L, इसमें कुछ भी बैलेंस नहीं छूटता है, ठीक है, तो दिस इज, मतलब इसके लिए यू कैन राइट दिस इज ट्रांसफर टू कॉस्टिंग P&L, या कॉस्टिंग P&L में। देन सेल्स की एंट्री, सेल्स की एंट्री यूजुअली इज कैश और बैंक टू सेल्स, सेल्स की यूजुअल एंट्री इज कैश और बैंक टू सेल्स, हमारे पास कैश और बैंक नहीं है इसलिए हम CLC डेबिट करेंगे, और हमारे पास सेल्स नहीं है
इसलिए हम पीएनएल की क्रेडिट करेंगे सेल्स की जगह, ठीक है, इज द एंट्री ऑफ सेल्स। और पीएनएल में सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स गिव्स यू नेट प्रॉफिट। तो ये जो पूरी अकाउंटिंग है इट इज कंप्लीटली रिलेटेड टू कॉस्ट शीट, कंप्लीटली रिलेटेड टू कॉस्ट शीट। अगर कॉस्ट शीट का फ्लो ध्यान में है तो ये अकाउंटिंग करने में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं जाती, ठीक है। अगर कॉस्ट शीट नहीं आती है तो फिर मुश्किल हो जाती है, फिर ये अकाउंटिंग समझना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। नाउ द स्पेशल एंट्रीज या स्पेशल चीजें जो मैं बताना चाह रहा हूं। नाउ मटेरियल का अकाउंट, स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस भी हो सकता है, बराबर। देयर विल बी ओपनिंग बैलेंस, मैंने आपसे यहाँ पे जगह छोड़ने को बोली थी, वहां आएगा टू ओपनिंग बैलेंस और क्रेडिट में आएगा, बीच में थोड़ी जगह छोड़ देना, बाय क्लोजिंग बैलेंस, बराबर है। मटेरियल अकाउंट है बेसिकली, मटेरियल अकाउंट में ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दोनों हो सकता है। नाउ इफ यू सी रॉ मटेरियल का अकाउंट है ये, ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग बैलेंस गिव्स यू व्हाट, रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड, जो कि हमने WIP में ट्रांसफर किया, बराबर है। ये हिसाब भी बराबर बैठता है, ये मैं अगर इतनी अमाउंट देखूं सिर्फ ओपनिंग प्लस परचेस लेस क्लोजिंग गिव्स यू रॉ मटेरियल्स कंज्यूम, जो रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड है उसको उठा के आपने WIP में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, फाइन। नाउ ऐसा हो सकता है कि आपने मटेरियल्स इशू किए लेकिन नॉट एज डायरेक्ट मटेरियल्स, आपने इशू किए एज इनडायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। हमने एग्जांपल में सीमेंट का एग्जांपल देखा है हमेशा, कि सपोज मुझे कुछ बनाने के लिए सीमेंट इज माय रॉ मटेरियल, समझो मूर्तियां हैं, अगर हम लोग जो मूर्तियां बना रहे हैं वो मूर्तियों में सीमेंट लगता है, सीमेंट बिकम्स माय डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। बट उसी सीमेंट से अगर मैंने मेरे ऑफिस का या फैक्ट्री का रिपेयरिंग किया, गुड्स ना बनाते हुए, फिनिश गुड्स ना बनाते हुए मैंने ऑफिस या फैक्ट्री के दीवार रिपेयर करी समझो, अब जो सीमेंट यूज हुआ दैट वोंट बी क्लासिफाइड एज डायरेक्ट मटेरियल, क्योंकि उसको प्रोडक्ट के लिए यूज नहीं कर रहा हूं मैं, दे विल बी क्लासिफाइड एज इनडायरेक्ट मटेरियल। अब अगर ऐसा होता है कि आप रॉ मटेरियल इशू कर रहे हो लेकिन दे आर इनडायरेक्ट मटेरियल, तो उसकी एंट्री क्या होगी? Now, क्योंकि आप रॉ मटेरियल आपके स्टोर से भेज रहे हो, क्योंकि आपके रॉ मटेरियल आप स्टोर से निकाल के दे रहे हो, तो SLC तो क्रेडिट होगा ही, बट ये कहां जाएगा? Now, these are not direct materials, these are indirect materials, and indirect materials are production overhead for us, it is factory overheads, indirect expenses मतलब overheads, क्योंकि फैक्ट्री के है, इट विल बी चार्ज टू फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो जब आप इनडायरेक्ट मटेरियल इशू करते हो तो SLC क्रेडिट करके प्रोडक्शन ओवरहेड्स विल बी डेबिटेड, तो SLC के क्रेडिट में आएगा बाय प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट, और नरेशन में लिखोगे आप इनडायरेक्ट मटेरियल इशूड, इनडायरेक्ट मटेरियल इशूड, प्रोडक्शन ओवरहेड्स के डेबिट में आएगा टू SLC अकाउंट, दीज आर इनडायरेक्ट मटेरियल्स। ठीक है, सिमिलरली आपने वेजेस पे किए 100 रुपए के,
₹100 के वेजेस पे की, उसमें आपने डिसाइड किया था कि ₹70 ये मेरे डायरेक्ट वेजेस है, मतलब ₹70 मैंने उन वर्कर्स को दिया है जो डायरेक्टली मेरे प्रोडक्ट पे काम कर रहे थे, तो वो ₹70 आपने वेजेस में से क्रेडिट करके WIP में डेबिट कर दिया, मतलब बराबर उस प्रोडक्ट के WIP पे आपने चार्ज कर दिया। फाइन, बचे हुए ₹30 का क्या? दोज आर पेड फॉर इनडायरेक्ट वर्कर्स, दोज आर पेड फॉर इनडायरेक्ट वेजेस। नाउ इनडायरेक्ट वेजेस कहां जाएंगे? अगेन सेम एज इनडायरेक्ट मटेरियल्स, इनडायरेक्ट वेजेस भी उठ के ट्रांसफर होंगे टू प्रोडक्शन ओवरहेड्स अकाउंट। तो ये यहां से विल से बाय प्रोडक्शन ओवरहेड्स अकाउंट, क्या है ये? दीज आर इनडायरेक्ट वेजेस चार्ज्ड, और प्रोडक्शन ओवरहेड्स के डेबिट में आएगा टू वेज कंट्रोल अकाउंट। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज इनडायरेक्ट वेजेस, ठीक है? मतलब SLC अकाउंट जब मटेरियल इशू होता है तो SLC अकाउंट क्रेडिट होता है, बट आप ये देखोगे कि मटेरियल किस चीज के लिए इशू हो रहा है। अगर डायरेक्ट मटेरियल इशू हो रहा है तो वो WIP में आएगा, मतलब SLC क्रेडिट होके WIP में आएगा। लेकिन अगर इनडायरेक्ट मटेरियल इशू हो रहा है तो SLC क्रेडिट होके प्रोडक्शन ओवरहेड्स में जाएगा, इनडायरेक्ट मटेरियल अगर है, ठीक है? सेम वे इनडायरेक्ट वेजेस, वेजेस जब आप पे करते हो तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू CLC अकाउंट है, ये तो पेमेंट की एंट्री हो गई। अब अगर डायरेक्ट वेजेस है तो वेजेस क्रेडिट करके WIP डेबिट होगा, लेकिन अगर इनडायरेक्ट वेजेस है तो वेजेस क्रेडिट करके प्रोडक्शन ओवरहेड्स डेबिट होगा, ठीक है? नाउ मटेरियल के केस में सपोज मैं बोलता हूं कि मैंने वही रॉ मटेरियल सीमेंट का ऑफिस की दीवार ठीक करने के लिए इशू किया, फैक्ट्री के नहीं, मैंने मटेरियल इशू किया, मटेरियल तो मैंने इशू किया है तो SLC तो क्रेडिट होगा, लेकिन मैंने उस मटेरियल से ऑफिस की दीवार रिपेयर करी है तो क्या डेबिट होगा? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन विल बी डेबिटेड, उस केस में SLC क्रेडिट होगा और ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के डेबिट में आएगा ये, ठीक है? क्योंकि आपने जब मटेरियल इशू किया तो मटेरियल क्रेडिट होके क्योंकि ऑफिस के लिए इशू किया है ऑफिस के खर्चे में ऐड होगा, ठीक है? फाइन, तो एज वी कैन सी हियर स्टोर्स लेजर कंट्रोल को क्लोजिंग बैलेंस हो सकता है, WIP को क्लोजिंग बैलेंस हो सकता है, मतलब मटेरियल को क्लोजिंग बैलेंस हो सकता है, WIP को क्लोजिंग बैलेंस हो सकता है, फिनिश गुड्स को क्लोजिंग बैलेंस हो सकता है, ठीक है? और ऑब्वियसली ये तीनों डेबिट बैलेंसेस रहेंगे, मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, ये सब डेबिट बैलेंसेस रहेंगे, ठीक है? इन सब का करस्पॉन्डिंग क्रेडिट बैलेंस विल बी CLC अकाउंट, मतलब मैंने इस पॉइंट पे अगर ट्रायल बैलेंस बनाया, मेरा ट्रायल बैलेंस टैली होना चाहिए, क्योंकि जब मैंने अकाउंटिंग शुरू करी थी एक भी एंट्री नहीं थी, मैंने ये पूरे ब्लैंक से शुरू किया था, हमने हर एंट्री के दो दो इफेक्ट दिए, हर जर्नल एंट्री के दो दो इफेक्ट दिए, विच मीन्स अगर अभी मैंने ट्रायल बैलेंस बनाया तो मेरा ट्रायल बैलेंस टैली होना चाहिए, बराबर? अब ट्रायल बैलेंस टैली कैसे होएगा? मटेरियल का डेबिट बैलेंस है, WIP का डेबिट बैलेंस है, फिनिश गुड्स का डेबिट बैलेंस है, तो करस्पॉन्डिंग क्रेडिट बैलेंस किसका होगा? इसका, CLC अकाउंट, ठीक है? तो जब ट्रायल बैलेंस होता है तो ऑब्वियसली वो टैली होता है, और वो टैली ऐसे होता है, द करस्पॉन्डिंग क्रेडिट बैलेंस इज ऑलवेज CLC अकाउंट,
ठीक है, क्योंकि उसी को आपने क्रिएट किया था डबल एंट्री कंप्लीट करने के लिए, तो ट्रायल बैलेंस भी उसी के वजह से टैली होने वाला है। ठीक है, वेज कंट्रोल अकाउंट में जनरली कोई बैलेंस नहीं बचता, मतलब अगर आपने 100 रुपया पे किया है तो यू हैव टू बाइफरकेट इट बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेजेस। जो डायरेक्ट वेजेस वाला हिस्सा है उठा के WIP में डाल दो, जो इनडायरेक्ट वेजेस वाला हिस्सा है उठा के प्रोडक्शन ओवरहेड्स में डाल दो। ठीक है, तो वेज कंट्रोल में कभी बैलेंस नहीं बचता है। नाउ ओवरहेड्स, नाउ तीनों भी ओवरहेड्स में बैलेंस बच सकता है। ठीक है, ओवरहेड्स के लिए यहां पे एक थोड़ा सा स्पेशल चीज ध्यान में रखो। जरूरी नहीं है कि जितने ओवरहेड्स आपने पे किए हैं उतने पूरे ओवरहेड्स आपने चार्ज किए हैं। ऐसा हो सकता है, ठीक है, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट प्रोडक्शन ओवरहेड्स राइट नाउ, बट सेम चीज इज ट्रू फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेम चीज इज ट्रू फॉर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ठीक है, तो सपोज यहां पे मैंने 100 रुपए के प्रोडक्शन ओवरहेड्स पे किए, तो मेरी एंट्री क्या आएगी? प्रोडक्शन ओवरहेड्स अकाउंट डेबिट टू CLC अकाउंट। ठीक है, थोड़ा सा ढंग से लिख लेते हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड्स अकाउंट डेबिट टू CLC अकाउंट। ठीक है, 100 रुपए मैंने पे किए। नाउ इट इज नॉट नेसेसरी दैट आई चार्ज 100 रुपीज टू प्रोडक्शन। सपोज मैं WIP पे 90 रुपीज चार्ज करता हूं, 100 रुपए मैंने पे किए लेकिन मैंने प्रोडक्शन पे 90 रुपीज चार्ज किया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज अब्सॉर्प्शन, बराबर। चार्जिंग को एक और नाम था अब्सॉर्प्शन। नाउ क्या मैंने अब्सॉर्ब ज्यादा किए या कम किए? ठीक है, यहां पे मैंने कम अब्सॉर्ब किए, मैंने पेमेंट 100 रुपए का किया है लेकिन प्रोडक्शन ने 90 रुपीज ही अब्सॉर्ब किए। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एज अंडर अब्सॉर्प्शन। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एज अंडर अब्सॉर्प्शन। आपके प्रोडक्ट ने जितना कॉस्ट अब्सॉर्ब करना चाहिए था नहीं किया, जितना कॉस्ट अब्सॉर्ब करना था नहीं किया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज अंडर अब्सॉर्प्शन। सवाल ये बचे हुए 10 रुपए का क्या होएगा? तो यहां पे देर आर टू वेज टू डील विद इट। एक, उठा के कॉस्टिंग PNL में ट्रांसफर कर दो बाय कॉस्टिंग PNL अकाउंट 10। ठीक है, द अकाउंट इज टैलीड, खत्म, कॉस्टिंग PNL में डेबिट हो जाएगा। दूसरा, कीप इट एज बैलेंस। Keep it as balance, मतलब हिल वेयर से बाय बैलेंस कैरी डाउन। अगले साल के ओपनिंग में दिखेगा वो, ट्रायल बैलेंस में जाएगा। ठीक है, दिस विल बी 10 रुपीज डेबिट बैलेंस इस अकाउंट का। तो दीज आर दी टू ट्रीटमेंट्स। हमारा प्रेफर्ड तरीका डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस है क्या। अगर क्वेश्चन में किसी ओवरहेड का ओपनिंग बैलेंस है तो हम क्लोजिंग बैलेंस को भी एज बैलेंस कैरीड डाउन छोड़ देंगे, क्योंकि हमको मेथड्स में कंसिस्टेंसी चाहिए। ठीक है, ओपनिंग ट्रायल बैलेंस में अगर ओवरहेड्स का ओपनिंग बैलेंस है, इसका मतलब पिछले साल के एंड में उन्होंने ओवरहेड्स का बैलेंस छोड़ा है, तो मुझे इस साल के एंड में भी उसको बैलेंस छोड़ना पड़ेगा। अगर मेरे पास ओपनिंग ट्रायल बैलेंस में ओवरहेड का कोई अकाउंट नहीं है तो ट्रांसफर इट टू कॉस्टिंग PNL और खत्म करो, बाय कॉस्टिंग PNL ट्रांसफर करके खत्म करो, फिनिश इट ऑफ, क्लोज दिस अकाउंट। ठीक है, दिस इज ट्रू फॉर प्रोडक्शन ओवरहेड्स
एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, ऑल थ्री, ठीक है, फाइन। अगर मैंने 90 की जगह 110 चार्ज कर दिया, अगर मैंने 90 की जगह 110 रुपए चार्ज कर दिया प्रोडक्शन पे, सेम केस, जस्ट दैट दिस इज कॉल्ड एज ओवर अब्सॉर्प्शन, दिस इज केस ऑफ ओवर अब्सॉर्प्शन। 100 रुपए पे किए बट प्रोडक्शन पे 110 रुपया चार्ज कर दिया, तो आपके प्रोडक्शन ने ज्यादा अमाउंट अब्सॉर्ब कर लिया। नाउ सिंस आपके प्रोडक्शन ने ज्यादा अमाउंट अब्सॉर्ब किया है, दिस इज कॉल्ड एज ओवर अब्सॉर्प्शन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज ओवर अब्सॉर्प्शन। अगेन बचे हुए 10 रुपए का क्या करना, या तो कॉस्टिंग पीएनएल में डाल दो या बैलेंस छोड़ दो, ठीक है। अगर ओपनिंग बैलेंस है तो क्लोजिंग बैलेंस छोड़ दो, अगर ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं है तो कॉस्टिंग पैनल में डाल दो, ठीक है। अब ऐसे टाइम पे मन में सवाल आता है कि अगर हम 100 रुपए का प्रोडक्शन ओवरहेड्स पे कर रहे हैं तो हम क्या गधे है क्या कि 110 चार्ज करेंगे, हम 100 ही चार्ज कर देंगे, हम काय को 110 चार्ज करेंगे या 90 चार्ज करेंगे, कम ज्यादा क्यों करेंगे हम। ओवरहेड्स का बिहेवियर क्या है, अब ये बात करते हैं एक बार, मल्टीपल टाइम्स रिपीट होएगा ये जो एक्सप्लेनेशन मैं देने वाला हूं। प्रोडक्शन ओवरहेड्स का एक आध एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। आज सपोज 5 तारीख, ठीक है, महीने की 5 तारीख है, मैं आज प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहा हूं, आज फिनिश गुड्स बनने वाले हैं, ठीक है, फिनिश गुड्स बनना शुरू हो गए। अब फिनिश गुड्स बनना शुरू हो गए, अब ये बेचने के लिए मुझे पहले ये मालूम करना पड़ेगा कि इन फिनिश गुड्स की कॉस्ट कितनी है, जिसके लिए मुझे ये मालूम करना पड़ेगा कि मेरी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, बराबर। एक यूनिट की कॉस्ट निकालने के लिए मुझे देखना पड़ेगा कि मेरी टोटल कॉस्टिंग कितनी जा रही है, मुझे मालूम करना है कि मेरी इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट आज कितना लगा। नाउ आज 5 तारीख है, आज मुझे ये मालूम करना है कि मेरा इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट कितना है, मैं नहीं मालूम कर सकता, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट कब मालूम पड़ेगा, एट दी एंड ऑफ द मंथ, जब बिल आएगा हाथ में तब मालूम पड़ेगा, अच्छा अच्छा इतना इलेक्ट्रिसिटी लग गया ये महीने का, तो मैं आज क्या करूंगा। नाउ गुड्स तो प्रोड्यूस हो गए, गुड्स तो मैन्युफैक्चर हो गए, मुझे बेचना है, बेचने के लिए मुझे उसकी कॉस्ट मालूम करनी है। बिना इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट के तो मैं पूरी टोटल कॉस्ट ले नहीं सकता हूं। अब इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट मैं क्या करूं, या मैं मेरे कस्टमर को ये बोल दूं कि बॉस मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल एक महीने बाद आएगा, तब मैं प्रोडक्ट की कॉस्टिंग निकालूंगा और तब मैं बताऊंगा कि मैं कितने में बेच रहा हूं, आज मैं नहीं बेचूंगा। कोई भगाता है क्या अपने ग्राहक को ऐसा, कोई नहीं भगाएगा, ठीक है। खड़ा है अगर ग्राहक खरीदने के लिए तो आप तो सीधा माल बेच दोगे, ठीक है। माल बेचने के लिए यू एब्सोल्युटली हैव टू नो द कॉस्टिंग, मेरे पास एक ही रास्ता बचता है, एस्टिमेट करो। इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट है ना, एस्टिमेट कर लो कितना आएगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या हो रही है, जब प्रोडक्शन हो रहा है तो मैं मेरा कॉस्ट एस्टिमेटेड बेसिस पे चार्ज कर रहा हूं प्रोडक्शन पे। पेमेंट कब होने वाला है, बाद में जब बिल आएगा तब। तो प्रोडक्शन ओवरहेड्स में, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के ओवरहेड्स में कई बार ऐसा होता है कि आप पहले कॉस्ट चार्ज करते हो प्रोडक्ट पे, पेमेंट का टाइम बाद में आता है, मतलब एक्चुअल कॉस्ट तो आपको बाद में मालूम पड़ती है। तो अब ये केस में सपोज आपने आपके इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट गिना 80 और आपने प्रोडक्ट पे चार्ज कर दिया, तो आपने प्रोडक्शन ओवरहेड्स क्रेडिट करके WIP को डेबिट कर दिया 80 से,
बाद में जब एक्चुअल बिल हाथ में आया, एक्चुअल बिल आया 100 रुपीज का, अब आपको पेमेंट 100 रुपीज का करना पड़ेगा। जब पेमेंट की एंट्री होगी तो दैट विल बी प्रोडक्शन ओवरहेड्स अकाउंट डेबिट टू सीएलसी अकाउंट 100 रुपीज। तो प्रॉब्लम क्या हुई, जब प्रोडक्शन हो रहा था, जब कॉस्ट प्रोडक्शन पे चार्ज करना था, तब मुझे नहीं मालूम था कि मेरा कॉस्ट कितना आने वाला है, लेकिन मुझे एस्टिमेटेड बेसिस पे कॉस्ट चार्ज करना जरूरी था। जब बिल हाथ में आया तब पेमेंट हुआ। तो यूजुअली ऐसे केसेस में चार्जिंग पहले होती है, पेमेंट बाद में होता है, ठीक है, एंड दैट इज व्हाई देयर इज अ डिफरेंस। वेजेस के केस में ऐसा नहीं होता, यूजुअली वेजेस का पेमेंट हाथों हाथ साथ में हो जाता है, ठीक है। वेजेस का वैसा नहीं है, वेजेस का ऐसा नहीं है कि पहले आप चार्जिंग करते हो बाद में पेमेंट करते हो, ठीक है। वेजेस आर मोर ऑर लेस डिसाइडेड। ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रहते हैं उनका प्रॉब्लम आता है, ठीक है। अच्छा, सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का प्रॉब्लम है ऐसा नहीं है, डेप्रिसिएशन अपने को मालूम है कितना रहने वाला है बिकॉज इट इज फिक्स्ड। कुछ कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है जो अपन श्योरली नहीं बोल सकते, जैसे स्टेशनरी है। अब मुझे नहीं मालूम ये महीने भर में कितनी स्टेशनरी लगने वाली है, वुड आई नो, ठीक है, बट मुझे एस्टिमेट तो करना ही पड़ेगा ना कितने कितने लगेंगे। And that is why there is a difference between the estimation and actual payment. ठीक है, मुद्दा यह है कि अगर ओवरहेड के अकाउंट्स में कहीं डिफरेंस मिलता है तो देर आर टू ऑप्शंस, या तो कॉस्टिंग पीएनएल में ट्रांसफर करो ये तीनों के लिए। पहला ऑप्शन ट्रांसफर बैलेंस टू कॉस्टिंग पीएनएल, और कीप द क्लोजिंग बैलेंस एज इट इज। ठीक है, ये तीनों ओवरहेड्स के लिए बोल रहा हूं, तीनों ओवरहेड्स। I hope you are clear with the funda कि क्या क्या हो सकता है, ठीक है। This is the general structure of accounting, ठीक है। Difficult नहीं है if you understand the flow of cost sheet, लेकिन हाँ आपको एक दो बार इसको go through करना पड़ेगा। What I'll suggest is ये पूरे अकाउंट्स एक बार फिर से रफ में किसी दूसरी जगह खुद क्रिएट करने की कोशिश करो। थिंक ऑफ द एंट्रीज योरसेल्फ एंड राइट डाउन द एंट्रीज। कॉस्ट शीट के फ्लो से जाओ, फिर मटेरियल खरीदो, फिर इशू करो, वेजेस पे करो, फिर चार्ज करो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस पे करो, देन प्रोडक्शन ओवरहेड्स पे करो, चार्ज करो, ठीक है। ऐसा करके एक एक करके खुद एंट्रीज करते जाओ, एंड देन या तो कहीं डाउट में अटकोगे, इन विच केस आपको मेरे को पूछना है लॉजिक या रीजन या जो भी डाउट है, और नहीं अटके यू विल बी वेरी क्लियर विद दीज एंट्रीज। अच्छा, जर्नल एंट्रीज आगे आगे भी आएगी, ठीक है। ये जर्नल एंट्रीज सॉर्ट ऑफ ऐसा समझ लो कि कई सारी चीज़ों में वो घुसी भी रहेगी बीच बीच में, ठीक है। इट विल बी स्प्रिंकल्ड एवरीवेयर, कहीं बीच में पूछ लेंगे इसका जर्नल एंट्री बताओ, इसका जर्नल एंट्री बताओ, एंड दैट इज द पर्पस कि मैं ये पहले ले रहा हूँ, ठीक है। वी नीड टू नो द जर्नल एंट्रीज ऑफ द होल कॉस्टिंग, फिर उसके बाद जहां भी आएगा वो टैकल कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो आपका काम गो थ्रू दिस ऑल अगेन वंस, राइट इट डाउन वंस मोर विदाउट सीइंग दिस, विदाउट रेफरिंग दिस, ठीक है। या ठीक है, बीच बीच में कभी डाउट आया तो रेफर कर लो, लेकिन बी क्लियर विद द लॉजिक कि कोई एंट्री हो रही है तो क्यों हो रही है। कोई भी डाउट हो तो पूछो, बिंदास पूछो, ठीक है। अगर पूछते नहीं तो बच्चे भी सीखते नहीं है, ठीक है। मतलब एक छोटा बच्चा भी सीख नहीं पाएगा अगर उसने पूछना छोड़ दिया तो, और हम हमेशा छोटे बच्चे ही रहते हैं। यू हैव टू आस्क, हैव टू आस्क, तभी वो लॉजिक्स बिल्ड होते हैं, ठीक है। फाइन, डू दिस। इसके आगे का पार्ट विल कंटिन्यू इन दी
नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.